तो एक तरफ योगी सरकार लोगों को स्वच्छ पेयजल की सुविधा के लिए करोड़ों रुपए पाने की तरह बहा रही है, लेकिन लोगों को स्वच्छ पेयजल जो है मिल नहीं रहा है, जिसका नजारा जो है बलिया के बैरिया तहसील में देखने को मिला, जहां बैरिया तहसील के करण छपरा से अपनी फरियाद लेकर आई एक युवती को भीषण गर्मी से निजात पाने के लिए और अपनी प्यास को बुझाने के लिए पानी के लिए चारों तरफ घूमना पड़ा, लेकिन साफ पेयजल मिला ही नहीं। तहसील परिसर में लगा सालों से यह आरओ जो है, आरओ प्लांट जो है खराब है, लेकिन इसकी मरम्मती कराने वाला कोई है ही नहीं। इस प्लांट को लगाने के लिए लाखों रुपए लगा दिए गए, लेकिन ठीक कराने के नाम पर बस खाना पूर्ति की गई। आपका? मेरा नाम अंकिता सिंह। अंकिता कहाँ से आई हो? करण छपरा से। करण छपरा से अभी कहाँ आई है, क्या है? यहाँ पे तहसील में कुछ काम है मुझे। जी। पापा आए हैं साथ में काम चलाने के लिए। सोचे पानी प्यास लगा थी, यहाँ पे आ ही नहीं रहा पानी। कितनी दिक्कतें हो रही है भीषण गर्मी में यहाँ पे? इतनी गर्मी में लोग कहाँ पानी पिएंगे? एक तो यही सुविधा थी भी यहाँ पे नहीं मिल रही है। कितनी दिक्कतें हो रही है यहाँ पे पानी को लेकर? पानी को लेकर बहुत सारी परेशानी। इसके अलावा मुझे कुछ दिख ही नहीं रहा था से पानी। ये तो तहसील परिसर है, यहाँ पे तो पानी होना चाहिए, स्वच्छ पानी पेयजल होना चाहिए। सरकार की मंशा भी है कि स्वच्छ पेयजल हर जगह लोगों को मिले, पर मंशा सरकार का पूरा काम है तो तहसील है, यहाँ तो बिल्कुल होना चाहिए ना। यहाँ पानी नहीं है तो और सब